सुशांत सिंह राजपूत के केस में क्या है सीबीआई की अपडेट और क्या बोला है कि ये किस एंगल में जा रहा है, आज मैं बताऊंगा इसी वीडियो में पूरी डिटेल। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको एक बात हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर एज मच एज यू कैन, ताकि लोगों को सुशांत सिंह राजपूत की जो न्यूज़ है उस सब में लगे रहे, साथ में जुड़े रहे और मेरे साथ बने रहे, ताकि मैं आगे जाके अगर कोई बड़ा एक्शन लूँ तो लोग मेरे साथ रहे और सुशांत सिंह राजपूत के केस में लोग जुड़े रहे और लोगों तक सच्ची खबर पहुँचे और पूरी खबर तक, मतलब जो लोग पीआर वाले हैं वहाँ उनको हम लोग एक्सपोज करते रहे और सबके पास सच्ची खबर पहुँचे। हालांकि मैं एक्सपोज में जिन पीआर वालों के बिना बिलीव नहीं करता, आप सच्चाई में रहो, आप सच्ची खबर देते रहो और जो सच्चे लोग हैं वो आपको सपोर्ट करते रहे और सुशांत को इंसाफ लास्टली मिल जाए। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब करो प्लीज़, इस लाइक वीडियो को लाइक करो और शेयर करो एज मच एज यू कैन। चलो इससे आगे बढ़ता हूँ मैं कि क्या आया सीबीआई की अपडेट और क्या कहा ऐसा। चलो अभी हालांकि दो दिन पहले प्रियंका दी, जो सुशांत सिंह राजपूत की बहन है, वो प्रदीप भंडारी के साथ इंडिया न्यूज़ चैनल पे थी और उन्होंने कहा कि जब रिया चक्रवर्ती की चार्जशीट फाइल हुई है तो उस पर बात करने के लिए उन्होंने बुलाया, तो उन्होंने ये बातें की कि सुशांत सिंह राजपूत मेरा भाई कभी भी सुसाइड नहीं कर सकता, ये प्लान किया हुआ मामला है, वो ऐसा नहीं कर सकता। ये बात खुद प्रियंका जी ने प्रदीप भंडारी के सामने इंडिया न्यूज़ में दुनिया भर के सारे लोगों को कह दी और सीबीआई अपडेट्स के बारे में ये कहा कि सीबीआई अपडेट्स आए, जल्दी आए, कुछ भी आए, क्लोजर रिपोर्ट देनी आपको दो, आप जो कहेंगे दो, लेकिन इसके बाद ताकि हम कोई एक्शन तो ले सकें। ये बात तो सच है कि अगर, क्योंकि सीबीआई के बाद मैंने भी कहा है कि हम एक्शन नहीं ले पाएंगे, क्योंकि सीबीआई के बाद कोई एजेंसीज के लिए प्रोटेस्ट या ऐसी कोई चीज़ क्या करे, वो मुझे भी इतना नॉलेज नहीं है। वो सुशांत सिंह राजपूत की बहन, वो लॉयर भी है तो उनको शायद पता होगा, तो वो कोर्ट वोट की बात कर रही है, तो ब्लड रिलेशन की तरफ से कोर्ट में ये जाना या ये वो जाना और उनके पिता को साथ में ले जाना और ये चीज़ें वो कर सकती है। हम शायद सिर्फ उनके सपोर्ट में प्रोटेस्ट या ये डिजिटल कैंपेन हो या रोड पे आना हो, ये सब चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन मेरा कहना यहाँ पे ये है कि सीबीआई अगर 10 साल तक भी रुक जाएगी, अपडेट ही नहीं देगी, तो फिर जाए किसके पास? यहाँ मामला अटक गया है और अभी सीबीआई को ये कहना, इसीलिए तो मैं कहता हूँ इस कैंपेन में ना, अब मैं बिल्कुल ही अपनी बढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इस कैंपेन में दो बहुत अहम किरदार थे, अर्नब गोस्वामी एंड मैं। मुझे अपने आप को बड़ा बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि मैं अभी बड़ा ना हूँ, क्योंकि मैं खुद रहने के लिए ठिकाना ढूंढ रहा हूँ, तो मैं क्या बड़ा हूँ। लेकिन ये दो लोग जिस दिन वापस आएंगे, ऑटोमेटिकली कैंपेन स्टार्ट हो जाएगा और उस दिन सीबीआई को क्लोजर रिपोर्ट देनी पड़ेगी, क्योंकि मैं जब भी प्रोटेस्ट करता था सीबीआई के सामने, अगले दिन उनकी अपडेट्स आती थी। अगर ऐसे हर 8-10 दिन में होता रहे या बहुत बड़ा हो जाए तो उनको क्लोजर रिपोर्ट देनी पड़ेगी। वो भले ही प्रेशर में आके शायद क्लोजर रिपोर्ट गलत दे दे, लेकिन उसके बाद क्लोजर रिपोर्ट गलत देने के बाद, जिस तरह से प्रियंका जी ने कहा है कि शायद वो फिर उसके बाद वो कोर्ट वोट में जा सकती है, तो अगला स्टेप ले तो सकती है, क्योंकि अगर सीबीआई 10 साल लगा देगी, 10 साल बाद तो बहुत कम लोग हो जाएंगे, क्योंकि आज के व्यूज़ के हिसाब से या फिर जो हम देख रहे हैं ट्विटर पर ट्रेंडिंग के हिसाब से, थोड़े ट्रेंडिंग डाउन जा रहा है। अब उस चीज़ को संभालने के लिए मेरे हिसाब से एक्शन की बहुत ज़रूरत है, इसलिए मैं कहता हूँ कि कोई एक लीडर चुनो, एक फंडिंग रेस स्टार्ट करो और वो ओपन फंडिंग हो, सबको पता चले, इस तरह का कोई बैंक अकाउंट कोई सजेस्ट करे, इस तरह ओपन फंडिंग हो जिसमें सबको पता चले कि इतने पैसे उसमें हैं, किसने कितने डाले वो पता चलना चले, लेकिन कितने पैसे रिफ्लेक्ट हैं वो पता चले, चलो लेटेस्ट खबर, या फिर कोई ऐसा आदमी हो या मोबाइल पर सीधा करके, हाँ ये इसमें डाले हैं सबने, क्लिक इतने हैं, अब वो स्पेंडिंग का पूरा चार्ट बना के स्पेंड करे, ताकि कोई भी इंसान कोई भी चीज़ में फ्रॉड ना कर सके, सीधा सीधा क्लियर कट हो, लेकिन लीडर ऐसा हो जो मैनेज कर सके, जिसमें हिम्मत हो ऐसे घर ना घुस के उनकी बैंड बजाने की। और क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर कट बता देता हूँ, ये सारी चीज़ें फैमिली नहीं कर सकती, क्योंकि कुछ रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, कुछ चीज़ें होती है, तरीके से ही जाना पड़ता है कुछ लोगों को, और कुछ लोगों को कोई भी तरीका चल जाता है,
क्योंकि अगर नेहरू थे भारत के प्रधानमंत्री तो उनको तरीके से जाना पड़ेगा, क्योंकि वो एक लेवल पे थे, गांधी परिवार के थे, ब्रिटिश से भी कौन से कांटेक्ट थे, इंडिया से भी उनके कांटेक्ट थे, गांधी जैसे थे, सबके साथ कांटेक्ट थे, तो उनको तरीके से जाना ज़रूरी होता है। और भगत सिंह जो है उसका कोई तरीका नहीं, उसको आज़ादी से मतलब है, बाकी सब कोई मतलब नहीं। उसको एक संपूर्ण आज़ादी, जिस भारत को ना हिंदू मुस्लिम बांट सके, ना कोई आज़ादी ये कर सके, ना कोई पॉलिटिशियन उसको ये कर सके, वो भगत सिंह उस टाइम सोचते थे ऐसा, तो वो भगत सिंह कुछ भी कर सकता है, वो भगत सिंह कोई भी एक्शन ले सकता है, भगत सिंह के ऊपर रेस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन गांधी के ऊपर, नेहरू के ऊपर, इन सब के ऊपर रेस्ट्रिक्शन थे। तो यही इश्यू होता है, तो रेस्ट्रिक्शन जिसके पास ना हो, ऐसा कोई स्ट्रांग आदमी मिले तो समझ जाओ इंसाफ मिल जाएगा, लेकिन जिसके पास रेस्ट्रिक्शन वो भी जेनून होने चाहिए, जैसे कि सुशांत की फैमिली है, जिस तरह की हमारे पास महात्मा गांधी थे। तो ये मैं आज़ादी के साथ जोड़ नहीं रहा हूँ मुद्दा, लेकिन आज की डेट में कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ मिलने के साथ साथ भारत के लोगों को भी बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी? दोबारा ऐसा किसी के साथ नहीं होगा। क्या इससे बॉलीवुड अगर ख़त्म हो भी जाए तो क्या आर्टिस्ट ख़त्म हो जाएगा? क्या आपके बच्चों में गाने का टैलेंट, डांसिंग का टैलेंट, एक्टिंग का टैलेंट, डायरेक्शन का टैलेंट, सिनेमाटोग्राफी का टैलेंट, बहुत सारे ऐसे टैलेंट्स हैं, इंस्ट्रूमेंट का टैलेंट, क्या ये आगे नहीं होगा किसी के साथ? होगा ना, तो उसको कोई प्लेटफॉर्म तो चाहिए ना, वो प्लेटफॉर्म कहाँ है? OTT प्लेटफॉर्म इनके है, थिएटर इनके है, सब कुछ इनका है, भले आप नहीं देखो, मत देखो, लेकिन वो प्लेटफॉर्म तो चाहिए ना। आर्ट खत्म कर दोगे, माँ सरस्वती ने इतनी दुनिया में आर्ट बनाया, वो ख़त्म कर दोगे? भगवान शिव नटराज, उन्होंने इतना बड़ा आर्ट बनाया, वो ख़त्म कर दोगे? आर्ट को ख़त्म नहीं करना है, गलत लोगों को ख़त्म करना है। तो क्या उन आर्टिस्ट के लिए कोई फ्यूचर नहीं है आगे? आपके बच्चे अगर कोई डांसिंग शो में जाना चाहते हैं, सिंगिंग शो में जाना चाहते हैं, कल स्टार बनना चाहते हैं, सॉरी बारिश आ रही है और एक ही मोबाइल मेरे पास है, मैं भीगा नहीं सकता। सो क्या वो बॉलीवुड एक क्लियर नहीं होना चाहिए? कुछ और नाम दे दो चलेगा, लेकिन आर्ट के लिए चीज़ तो होनी चाहिए ना कोई, तो वो आर्ट क्लियर हो जाएगा, ये नशे के व्यापारी ख़त्म हो जाएंगे। नशा सिर्फ शराब और स्मोकिंग नहीं होता, ये तो सिर्फ आपकी सेहत ख़राब करता है, बाकी नशे जो होते हैं वो जानवर बना देते हैं इंसान को, क्योंकि मैंने आँखों से बहुत लोगों को देखा है। तो कितने साल लग गए हमको बंदर से आदमी बनने में, तो क्या हम वापस से इस नशे के शिकार होके बंदर बनना चाहते हैं, जानवर बनना चाहते हैं? इसीलिए कहता हूँ कि सुशांत सिंह राजपूत के इंसाफ के साथ साथ आप लोगों का भी इंसाफ जुड़ा है, भारत का इंसाफ जुड़ा है, बहुत सारी लोगों को इंसाफ मिल जाएगा सुशांत के इंसाफ के साथ, सिर्फ ये एक या दो लोग नहीं है, बहुत है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि CBI अपडेट्स ज़रूरी, जल्दी लाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिले हो जाएगा, लोग हट जाएंगे, फिर सिर्फ फैमिली और कुछ लोग रह जाएंगे जो कुछ नहीं कर पाएंगे, फिर ये केस डिसॉल्व हो जाएगा जब कोई पावरफुल लोग चाहते हैं। इसीलिए कुछ करिए आप लोग, कुछ ऐसा करिए जिससे किसान आंदोलन की तरह बड़ा कर सके, क्योंकि न्यूज़ बनेगी, जैसे जिस तरह से आपने देखा न्यूज़ बनती है तो सारे न्यूज़ चैनल दिखाते हैं, कोई मना नहीं करेगा, न्यूज़ आएगी तो न्यूज़ चैनल दिखाएंगे, वो रिपब्लिक भारत हो, इंडिया न्यूज़ हो, जी हिंदुस्तान हो, आज तक हो, कोई भी मीडिया चैनल, India TV हो, कोई भी हो, वो सारे न्यूज़ दिखाएंगे जब न्यूज़ आएगी। और न्यूज़ बनाना आपके हाथ में, CBI के हाथ में मत दो ये काम, वो तो फिर पावरफुल लोगों की सुनेगी, न्यूज़ बना दो किसान आंदोलन की तरह। आज SSRN के साथ सुशांत के दोस्त मिलके इतना बड़ा CBI के सामने प्रोटेस्ट किया कि इसको डंडा लग गया, इसका खून बह गया, या फिर इसके साथ ऐसा हो गया, वैसा हो गया, मैं वैसे एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, तो ये हो गया, तो जाके न्यूज़ बनेगी, और वो न्यूज़ बने की बाद में इंटरव्यूज होंगे, और ये सोच समझ के करना पड़ता है, क्योंकि ये जो रिया चक्रवर्ती वाला केस हुआ, ये बहुत अच्छे से हाईलाइट हो सकता था न्यूज़ में, अगर वो श्रीलंका वाला चीज़ नहीं होता। इसीलिए मैं कहता हूँ कि श्रीलंका वाला चीज़ अगर नहीं होता तो ज़्यादा होती, तो ये सोच समझ के प्लान करना पड़ता है कि किस टाइम पे प्रोटेस्ट किया जाए, लेकिन NCB और ये सब तो अपने हिसाब से करेंगे कि इस टाइम पे न्यूज़ बनाओ रिया वाली, क्योंकि इस टाइम श्रीलंका वाली है तो ज़्यादा हाईलाइट नहीं होगी।
इसीलिए मैं कहता हूँ हम न्यूज़ जो बनाएंगे ना, हम अपने टाइम के हिसाब से बनाएंगे। जिस टाइम ऐसी कोई हाईलाइट नहीं होगी तो न्यूज़ मीडिया अपनी न्यूज़ चैनल दिखाएगी। बहुत सारी चीज़ें हैं, किसी दिन लाइव में आके बताएंगे, जब मेरा घर का सेटल हो जाएगा तब कुछ ज़रूर करेंगे। तो इसीलिए मैं कहता हूँ एटलीस्ट अब आप यही की काम कर सकते हैं। अगर मेरी हेल्प कर सकते पर्सनली तो मैंने डिस्क्रिप्शन में ये डाल रखा है, प्लीज़ हो सके तो करिए, नहीं कर सकते तो एटलीस्ट इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि अब यही एक रास्ता रह गया है सुशांत सिंह। मैं जितना कर सकता हूँ, मेरी कैपेसिटी अभी सिर्फ यही यूट्यूब तक ही रह गई है और कुछ कर नहीं पाऊँगा। लेकिन हाँ, जिस तरह मैं कैपेबल हो गया तो ऑफकोर्स एक्शन लेंगे, वो तो नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि अब जिस तरह से मुझे बॉयकॉट किया बॉलीवुड ने और जिस तरह मुझे परेशान किया बाकी लोगों ने, अब तो ये सुशांत के साथ साथ मेरी भी लड़ाई है। तो ऐसी ही खबरों के साथ मेरे साथ बने रहिए और इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए इस चैनल को। थैंक यू सो मच।